लॉकडाउन चल रहा है, सभी चीज़ें बंद है और हम घर से बाहर भी नहीं जा सकते हैं, और ऐसे में हमारा मन करे कुछ चटपटा खाने का, तो ये आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटी सी भेल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और इस रेसिपी की खास बात तो ये है कि ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और टेस्ट में सुपर डिलीशियस लगती है, और हमारे घर में खाने के शौकीन हों, छोटे बच्चे हों, तो उनके लिए रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज़ रोशनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रोशनी होम आइडिया। तो यहाँ हमने ले ली है एक कढ़ाई और गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देंगे। इसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, 1 टेबल स्पून। ऑयल हल्का गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, हल्दी को ऑयल में हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मुरमुरे, और इसे डालने के बाद इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑयल में जब हम थोड़ी सी हल्दी डाल के मुरमुरे को हल्का सा हम सेक लेते हैं, तो मुरमुरे थोड़े से अच्छे से क्रंची और थोड़े कड़क कड़क हो जाते हैं, जिससे ये भेल में खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और हम इसमें अब थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं। नमक थोड़ा हल्का सा कम डालेंगे, क्योंकि अभी हम इसमें बाद में थोड़ा और नमक ऐड करेंगे, काला नमक, इसलिए थोड़ा नमक कम डालेंगे और इसे मिला देंगे। मुरमुरे को 2 मिनट कढ़ाई में सेकने के बाद इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, और अब मैं इसमें मिलाऊंगी चटनी हरी धनिया और हरी मिर्च की। आपके पास ये चटनी बनाने के लिए हरी धनिया नहीं हो और आप नहीं बना सकते, तो इस टाइम पे आप हरी मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं बारीक कट करके। इमली की ये मीठी चटनी भी इसमें हम डाल देते हैं। इसकी जगह आप टमेटो सॉस भी इसमें डाल सकते हैं। जो चीज़ आपके पास घर में अवेलेबल हो आप उस चीज़ को इसमें मिला के बना सकते हैं। और अब हम इसे मिला देते हैं अच्छे से, और अब हम इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल देते हैं, भुना हुआ जीरा पाउडर, और इसमें अब हम मिला देंगे थोड़ा सा हम ये नमकीन मिक्सचर। और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और आपके पास इसमें चाट मसाला हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो बस अब भेल बन के बिल्कुल रेडी है, और अब हम इसे सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। हमने थोड़ी सी नमकीन और थोड़ी मीठी चटनी भी डाल दी, जिससे दिखने में और भी टेस्टी लग रही है। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये बनके तैयार है चटपटी सी भेल। जितनी अच्छी ये दिख रही है, खाने में ये बहुत ही सुपर डिलीशियस लगती है और बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। तो इस लॉकडाउन में आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, आपको जरूर पसंद आएगी। ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।